हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आई एम सॉरी। देखो, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डर लग रही होगी, दबी दबी से लग रही होगी गाइस। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो मेरे पुराने एयरफोन्स थे जिनसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था गाइस, वो एयरफोन का थोड़ा सा स्ट्रिंग है वो टूट गया है, तो अब उनसे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो यार, मैंने नए एयरफोन्स लिए हैं। इन ये सही बताऊँ तो ये रेडमी के हैं नहीं, ये सैमसंग के हैं शायद से, इसलिए ज़्यादा बढ़िया वर्क नहीं कर रहे इसके साथ। तो आई एम सॉरी, आपको इसी वक्त से काम चलाना पड़ेगा जब तक मैं पुराने वालों को ढंग से नहीं ले जाता। तो गाइस, आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा, कि क्यों हमें नहीं करना चाहिए गैलारियन वीजिंग की रेड्स। तो गाइस देखो, सीधी सी बात है, अभी जो इवेंट है उसमें रिलीज़ हो गए हैं सारे के सारे, सारे नहीं बेसिकली कुछ एक दो छोड़ के सारे के, मतलब जितनी मोस्टली गैलारियन फॉर्म थी सब रिलीज हो चुकी हैं शाइनी। कुछ बचे हैं जैसे कि अभी स्लो पोक बचा है, मिस्टर माइम बचा है, उनको छोड़ के रिलीज हो चुके हैं। तो बता रहा हूँ मैं कि आपको गैलारियन पोकेमॉन वीजिंग को क्यों नहीं आपको रेड करना है। पूछोगे कि क्यों ब्रो, ऐसा क्यों, वो शाइनी रिलीज हो चुका है, उसको उनको शाइनी हंट करने दो। देखो, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी मर्ज़ी है, मैं अपनी बात बात आप पे थोप नहीं रहा हूँ, ओके। बस बता रहा हूँ कि चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो, मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल अभी ना करो। इसका मेन रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले बता दूँ कि गैलारियन वीज़िंग का पोकेमॉन कैसा है। देखो गाइस, ये ज़्यादा मेटा रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि इसके मूव जो है वो है टैकल। और भाई टैकल तो भाई पूछो मत, दुनिया का सबसे बकवास मूव है टैकल। और ये कोई और अटैक लर्न भी नहीं करता टैकल के अलावा। देखो अभी दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ फास्ट जंप पे, तो ये कोई और अटैक लर्न ही नहीं कर सकता। ओवर हीट है इसके पास, और भी कुछ मूव हैं पर वो भी अच्छे नहीं है। प्लेयर ऑफ है इसके पास, इसके पास बहुत यूनिक टाइपिंग है पॉइजन और फेरी की, जो कि बहुत बढ़िया टाइपिंग है। तब भी ये कुछ वीक्स है, जैसे कि ग्राउंड से वीक है, स्टील से वीक है, इसकी वीकनेस अभी भी हैं। ऐसा भी नहीं कि इसकी टाइपिंग जिसको बहुत अच्छा कवर करती हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है देखने में लगता है, इसकी पॉकेट सिंग एंटी भी अच्छी है, पर शाइनी आपको रेड क्यों नहीं करना है? तो गाइस देखो, इसका मेन रीज़न ये है कि जो मोस्टली जो फॉर्म्स होती हैं, अलोलन फॉर्म्स हो कि वो गैलारियन फॉर्म्स हो, मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे अभी अलोलन में आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटर है आपके पास, आपके पास मैरोवैक है, पर देखो ये सब भी शाइनी रिलीज हो चुके हैं, इनका भी शाइनी इवेंट आया था, ये तब भी रेड्स में थे एग्जीक्यूटर और मैरोवैक, बट हमको अब आगे भी मिले, रिसर्चेज में मिले, हमको इनका रेड डे मिला, हमको ये एग्स में भी एक दो बार मिले हैं, शायद एग्स में नहीं मिले ना, नहीं एग्स में नहीं मिले हैं, हम लोग को ये गो फेस्ट में मिले, हमको ये वाइल्ड में भी मिले, और यही होगा गारंटी इस गैलारियन वीजिंग के साथ भी। क्योंकि आप जानते होंगे, अभी तो सारे के देखो, सारे सारे अलोलन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, ये पुराने हो गए, अब आए गैलारियन फॉर्म्स, धीरे धीरे हो सकता है अगले गो फेस्ट में, अगले के अगले गो फेस्ट में ये सब फीचर किए जाएँ। ओके देखो, एग्जाम्पल के लिए यही ले लो, ये मेरा एग्जीक्यूटर जो शंडो है, ये बिल्कुल रैंडम है, मैं बस ऐसे स्नाइप कर रहा था, मेरे को ही मिल गया। देखो हंडो है और ये शाइनी भी है, और ये कहाँ से मिले हमको, वाइल्ड से, कॉटर सोफिया प्रोवेंस बल्गेरिया, तो सबको पता है, मैं इसको बजाने की ज़रूरत नहीं मेरे को। हाँ तो गाइस, हमको ये गो फेस्ट में पिछले साल भी मिला था, 2020 में भी, 2021 में भी, और ये हमको रेड्स में बहुत सस्ते मिल जाता है, और बॉय कितना ये रेयर है ये आप जानते हो, बिल्कुल भी रेयर नहीं है, हमको ये बहुत सी इवेंट में वाइल्ड में दिख जा गया। हाँ ये बात हम मैरोवैक के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मैरोवैक हमको रेड डे देखने मिला, भले ही मिला था, और गो फेस्ट में वाइल्ड में भी था, पर उसके बाद कभी खास ऐसा फीचर हुआ नहीं। और मैं गारंटी बताया मैंने आपको पहले, हमको ये गैलारियन वीजिंग के साथ देखने मिलेगा। जैसे कि आपको, और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, स्नोरलैक्स हो गया और ऐसे अलग पोकेमॉन्स हो गए जो कि शाइनी रिलीज हुए थे, तब लोग कह रहे थे कि इनको रेड मत करना, कुछ एक्सपीरियंस पोकेमॉन को प्लेयर्स कह रहे थे इनको रेड मत करना। गाइस वो बिल्कुल सही कह रहे थे, उनको रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों, क्योंकि आगे हो सकता है हमको स्नोरलैक्स का कुछ ऐसा इवेंट देखने मिल जाए जिसमें वो फीचर हो रखा हो, यानी कि वाइल्ड में मिल जाए हमको, या रेड्स में उसका रेड डे मिल जाए। देखो रेड्स में रेड डे के दिन एक स्पेशल शाइनी रेट होता है, क्योंकि मेरे को मैरोवैक भी ना सस्ता पोकेमॉन नहीं है कि मुझे 5 रेट में मिल जाए। ओके, और बेसिक बात इसके बारे में ये है कि इसका कोई स्मॉल इवोल्यूशन है नहीं, वाइल्ड में दिख जाए, गैलारियन कॉफिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। और ये कह सकते थे कि हम, क्योंकि होता तो कह सकते थे कि हमको वाइल्ड में देखने मिल जाए। देखो पहले तो गैलारियन रैपिड डैश और गैलारियन पोनेटा भी रेड्स में ही थी, एग्ज में नहीं थी, आ गई ना, कुल मिला के आ ही गई। या ऐसे पोकेमॉन जो कि बहुत रेयर है, उनका शाइनी गेट करने के लिए रेड करने की मेरे पास कोई ज़रूरत है नहीं। मैं तो यही कहता, देखो पहले भी जब देखो आपको पोनीटा हो गई, और ये आपको गैलारियन ज़िगज़ैगून हो गया, ये सब रेड्स में ही थे पहले, वाइल्ड में नहीं मिल रहे थे शाइनी के लिए, अब ये वाइल्ड में भी आए गए हैं, वाइल्ड में फ़िलहाल अभी भी नहीं है, आई एम सॉरी बताने के लिए, मैं गलत बात नहीं बताऊँगा आपको, पर देखो अभी एग्ज़ में भी आ गए, धीरे धीरे करके इनकी रेयरिटी कम होती जाएगी, ये फॉर एवर रेयर नहीं बने रहेंगे। इसलिए गाइस मत रेड करो, आपको करना है तो आप कर सकते हो। और गाइस ज़ैसियन के बारे में जो कल मैटर हुआ वीबैक के साथ,
उसके बारे में एक फुल एक्सप्लेन वीडियो जल्दी आ जाएगी, पर फिलहाल तो नहीं आने वाली। मेरे लिस्ट पे उससे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगे हुए हैं, तो वो लिस्ट के बाद में आएगी। पर गाइस ज़ेसियन बेकार पोकेमोन नहीं है, उसको कभी हल्के मत लेना, जल्दी जान जाओगे। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अब मैं हमेशा कहूँगा कि आपकी मर्जी है आपको कैसे पोकेमोन को खेलना है, फ्री टू प्ले हो, स्पूफर हो, लेजिट प्लेयर हो, कैसे खेलना है आपकी मर्जी है, मैं बस आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ओके थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, और मिलते किसी और वीडियो में। और बताना, आपको जरूर चाहूँगा अगर आपको जानना है कि मेरे पास यहाँ पे ये दो या तीन पोकेमोन को एक ही डिवाइस में कैसे हैं, उसका वीडियो भी आपको जल्दी देखने मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो में कमेंट कर दो कि आपको चाहिए। देखो अगर मुझे 10 से ज़्यादा कमेंट मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो ओके, कोई बुराई नहीं है, किसी और दिन सही।